भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं चुनाव प्रबंधन समिति सह संयोजक भगवान दास सबनानी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भेंट करके कांग्रेस द्वारा उपचुनाव में असंवैधानिक कार्य के जरिए उपचुनाव प्रभावित करने के खिलाफ उचित कार्रवाई हेतु शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राहुल कोठारी और प्रदेश संयोजक संतोष शर्मा भी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल आज तीन गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए, शिकायत करने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला है। उसमें एक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो गाय बजाए कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करते ही रहते हैं, दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने अपने पर्सनल ट्विटर हैंडल से मध्य प्रदेश में लड़ने वाले जनप्रिय लोकप्रिय नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें कुछ साथी मंत्री भी हैं, अभी विधानसभा में प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नाम से एक रिपोर्ट कार्ड करके 35 करोड़ रुपए लिए हैं। ऐसा करके उन्होंने संदेश देकर के वहाँ की क्षेत्र की जनता को भ्रमित करने का काम किया है। साथ ही एक बड़ा आपत्तिजनक काम ये किया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल के फूल को उल्टा करके हम उसका अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी का किया है। इसलिए हम आज निर्वाचन आयोग में तो हमने शिकायत की है, हम साइबर क्राइम में भी इसकी शिकायत करेंगे और मानहानि का मुकदमा भी लगाएंगे कि हमारे प्रतीक के साथ उन्होंने छेड़छाड़ की है। साथ ही एक कमलनाथ जी ने भगवान राम सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ फोटो खींच करके ऐसा प्रचारित किया है, उसमें उन्होंने धार्मिक भावनाएँ भड़का करके और धार्मिक भावना के साथ चुनाव की ओर ले जाने का काम करते हैं। एक तरफ वो बोलते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यह कार्य किया है।